हाय फ्रेंड्स, मैं सरण जोसेफ फ्रॉम केरला सबको अपना चैनल फिशिंग ड्रिंक्स में स्वागत करता हूँ। मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, ताकि ऐसा है थोड़ा सा अपना खुद का काम में थोड़ा बिजी हो गया था। और सबसे मैं सॉरी मांगता हूँ, बहुत आदमी मेरे को मैसेज भी करके पूछा है भैया वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए कि अपना खुद के काम में थोड़ा सा बिजी हो गया था। अभी बिजी वगैरह थोड़ा सा कम हो गया। आप लोगों को मैं जितना भी मेरे से हो सकता है अच्छा, अब मतलब आप लोगों को जितना हेल्पफुल वीडियोस मैं डाल दूंगा, और मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर गलती से कोई कुछ मैं मेरा मुँह से कुछ निकल गया या कुछ हो गया तो छोटा भाई समझ के थोड़ा माफ़ कर देना। और मैं आज का अपने वीडियो है जो कार फिशिंग के लिए हम फीडर या स्प्रिंग जो हम यूज़ करता है वो कैसे बनाने, वो बिल्कुल एकदम फिनिशिंग तरीके में कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाना मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए आप शुरू जब से ये अपने वीडियो शुरू हो जाएगा लास्ट तक देखना है, ताकि उसमें टिप्स भी बताता हूँ, मैं हर चीज़ बताऊँगा। बाद में मेरे को ये नहीं बोलना कि भैया आप बीच में क्या बोला था, मेरे को फ़ोन करके पूछना नहीं। जब ये वीडियो के द्वारा मैं जो बोला है वो मेरे को फ़ोन करके पूछा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग पहले वीडियो ढंग से देख लो, और अपना जो ये वीडियो पहले बार जो देख रहा है वो पक्का अपना चैनल लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले अपना वीडियो का। दोस्तों, आज अपना वीडियो यह है कि स्प्रिंग या अपना फीडर कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर जिसको भी अगर बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है और बना नहीं पा रहा है तो मेरे से पूछ लेना। अब लोग जो बाहर से जो कोस्ट से खरीद रहे हो, हम उससे थोड़ा कम रेट में आपको फिनिशिंग जैसे फिनिशिंग करके आपको मैं दे सकता हूँ। अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं अपना नंबर दूंगा, आप लोग उसमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये सब कोशिश करना कि खुद ही बनाने का, ताकि अपना जो कमाई का पैसा अपने पॉकेट में रहना चाहिए। अगर मैं इतना मेहनत करके आपको वीडियो डाल रहा है तो आप खुद ही बनाओ और खुद ही यूज़ कर लो, ठीक है। अभी हम अपना स्प्रिंग या फीडर बनाने का जो वीडियो में चलते हैं, वो वीडियो के लिए पहले अपना वर्कशॉप में जाना पड़ेगा। चलो अपना वर्कशॉप में। दोस्तों, अभी हमें स्प्रिंग या फीडर बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए हम देखते हैं। उसके लिए क्या है, मैंने इधर एक होलो टाइप की पाइप लिया हुआ है, और ये जो पाइप का लास्ट में देखा ऐसा एक होल बना कर रखा है। ये होल किस लिए बनाया मैंने बता दूंगा। और आपको चाहिए तो जो अपने बिजली के जो तार लगाता है ना, जो घर में हम जो बिजली का तार जो लगाने के लिए जो पाइप यूज़ करता है प्लास्टिक का, वो भी आपको यूज़ कर सकते हैं इसके बदले में, और जो उसमें मैं मॉडिफाई भी किया हुआ है। उसके बाद हमको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद चाहिए एक ये नोस प्लेयर, ठीक है। ये नोस प्लेयर बहुत कम का है, और चाहिए एक प्लास या कटिंग प्लेयर। फ्रेंड्स, अभी हमें चाहिए अपना फीडर का ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए तार। ये जो तार अपना जो फिनिशिंग वगैरह की इसके बांधने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं एक मीटर लिया हुआ है, थोड़ा सा लेने से कि हमको अच्छा फिनिशिंग मिल जाता है। उसके बाद जो अपना मेन जो फीडर का बीच में जो हम लगाता है उसमें है सब कुछ मजबूत होना चाहिए, उसका हम बोलते हैं शाफ्ट बोलते हैं। वो शाफ्ट बनाने के लिए मैं 17.5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा तार लिया है, ठीक है। और ऊपर से देखो, ऊपर से जो मोड़ रहा है ना, मैं वहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर का फोर रखने से भी चलेगा, उतना में क्या हम मोड़ना है, ताकि हम जो मोड़ रहे हैं हमारा फ्यूल हो गया, लाइन हो गया, वो सब कुछ ये बांधने के लिए, ठीक है। ऐसे अपना नोज प्लेयर लेके थोड़ा सा देखो, जो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे थोड़ा सा बेंड करना है। बेंड करने के बाद इसको नस्तिक करना है, उसके बाद बाकी जो बचा हुआ जो लंबे में बचा हुआ ऐसा अपना कटिंग ब्लेड से हम रिमूव करना है। अभी हमने जो एक साइड तो जो किया है वैसे सेम अपने दूसरा जगह भी करना है। करने के बाद जो हमारा मैं पहले भी बोला है, उसको जो नस्ती करने के बाद जो जितना भी बचा है, मतलब जो नीचे की तरफ जो हमारा तार जो बचा हुआ है ना, उसको के कटिंग ब्लेड से हम काट, देखो ये वाला हिस्सा हम काट कर फेंकना है, ठीक है। तो हमारा एक शाफ्ट का 80% काम हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसके बीच में वेट देना है। देखो हमारा जो ये हो गया फिनिश,
हमें इसके बीच में वेट देना है। वेट देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैं बता रहा हूँ, एम सील यूज़ करते हैं। एम सील दोस्तों, हम एम सील ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है। थोड़ा सा लेने के बाद इसको पला के हाथ में ऐसे बिल्कुल एकदम राउंड शेप में करके फिनिश करना है, ठीक है। आपको मैं फिनिश किया हुआ एक हमारा जो सॉफ्ट है वो मैं दिखा दूँ, देखो वैसे आप फिनिश करके लेना, ठीक है। इतना मोटा है, मैं इससे ज़्यादा मोटा भी होने से ठीक नहीं है, ओके। आपको इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया लग रहा है, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लीजिए, ठीक। दोस्तों अभी हमने जो बना के रखा है ये जो शाफ्ट है, इसको ऊपर का हिस्सा मतलब हमारा जो फीडर का हिस्सा हम बनाना है, उसके लिए क्या है, मैंने जो लेकर रखा है होलो टाइप जो पाइप है उसका जो लास्ट में होल डाला है वो मैं आपको बोला था कि मैं बताऊंगा किसके लिए। देखो ये जो हमने मैं एक मीटर जो तार लेकर रखा है ना, उसका जो थोड़ा सा वो जो होल में डालकर उसको रुकने के लिए हमने होल बनाया, ठीक है। डालकर हम बिल्कुल एकदम नास्तिक नास्तिक उसको राउंड करना है, देखो जैसे, ठीक है। ऐसे मैं आपको दिखा के मेरे को करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा साइड करके लगा रहा था कि वो एक मीटर तार है ना, इसलिए क्या कैमरा में लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा साइड करके मैं कर रहा हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे लास्ट में होगा। आपको दिखाने से क्या मेरा से थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा स्पेस हो गया, लेकिन अब लोग क्या करना, बिल्कुल एकदम नस्तिक नस्तिक उसको टाइट करके लेना है, ठीक है। आपको अच्छा एक फिनिशिंग मिल जाएगी इसमें, ये देख लीजिए। दोस्तों अभी अपना जो फीडर को ऊपर का हिस्सा हमने सही तरीका में बना चुका है, अभी हमको इसको रिमूव करना। रिमूव करने के लिए जो हमने जो होल में जो लगा हुआ वो जो तार को बाहर निकालो और बाकी जो आ रहा है ना वो हिस्सा को कट करके फेंक दो। उसके बाद हमारा काम है जो हमने जो बना कर रखा जो फीड जो अपना शाफ्ट है ना, उस शाफ्ट के मुताबिक हम उसका रिंग को गिनती करना है। 1 2 3 4 5 जैसे 11 रिंग को गिनती करके हम कट करके उसको रिमूव करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा काम एक स्क्रू ड्राइवर लेना, स्क्रू ड्राइवर लेकर ये जो रिंग है उसके अंदर से पूरा राउंड करना है, इसे पूरा राउंड करना है, ठीक है। जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे आप कर लो, पूरा राउंड करके उसको एक स्प्रिंग जैसा बनाना है। अभी हमारा स्प्रिंग तो बन चुका है दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं ना। अभी हमारा जो मेन काम है इसका जो हमने जो बना कर रखा शाफ्ट इसको बीच में हमको लगाना फिट करना, उसके लिए क्या हमारा जो कटिंग ब्लेयर लेना है, कटिंग ब्लेयर लेके हमारा जो स्प्रिंग का जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बेंड करना है। ऐसे सेम तरीका हमने दूसरा साइड भी वैसे करना है। उसके बाद थोड़ा सा सेंट्रलाइज करना है वो होल को, अब ताकि अपना जो शाफ्ट है करेक्ट सेंटर में आने के लिए, ठीक है। इतना ही काम है अपना ऊपर का, हमारा 80% काम तो हो गया है। देखो अब मैंने इतना स्प्रिंग बना कर रखा है, हम एक स्प्रिंग दो तीन स्प्रिंग बनाने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली थोड़ा हो जाएगा जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। अभी देखो अभी हम दो स्प्रिंग इधर लेकर रखा है, इसमें से मैं बताऊँगा कैसे हम शाफ्ट उसमें फिट करना है, ठीक है। हम इस शाफ्ट फिट करने के लिए हमको चाहिए एक कटिंग ब्लेयर और अपना दिमाग चाहिए। दिमाग चाहिए मतलब थोड़ा सा दिमाग हम इसमें यूज़ भी करना है। और हमने शाफ्ट लेना, शाफ्ट लेकर हमने जो बना कर रखा छोटा सा होल का अंदर हमने शाफ्ट को उसके अंदर लगा देना और अपने कटिंग ब्लेयर लेके बिल्कुल एकदम उसको टाइट करना है। उसके बाद बाकी जितना भी तार जो बाकी रहेगा ना वो ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कट करके थोड़ा सा बाहर रखना है। देखो आपको वीडियो में जितना देख रहे उतना ही बाहर रखना है, और एक बार टाइट करने के बाद उसके बाद उसको क्या है अब कटिंग ब्लेयर लेके मोड़ना है, ताकि इसको शाफ्ट का लॉक करना है शाफ्ट को, इसलिए क्या हमने उसको थोड़ा सा रख के इसको दोबारा हम क्या है इसको पकड़ के लॉक कर रहे हैं। इसको भी कटिंग ब्लेयर से अच्छी तरह से
टाइट करके लॉक करना है। ऐसे सेम प्रोसीजर हमने अपने दूसरे साइड में भी करना है। दोस्तों आप लोगों से एक खुशी बात करता हूँ, कतला पकड़ने के लिए एक स्पेशल बाइट हमारा चैनल में मैंने डाला था, वो वायरल हो चुका है दोस्तों। क्या वायरल? ऐसे नहीं वायरल हुआ ताकि जो भी यूज़ करो उनको, जो भी यूज़ करो सबको बार बार का मच्छी मिल रहा है। मेरे को फ़ोन कॉल भी आता है, अपना कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा है। और जो अभी तक ये जो वीडियो देख रहे हैं, वो जो बंदा अपना वो बाइट वाला वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके देख लीजिए। और दोस्तों हमारा जो वीडियो बहुत लोग देखता है, ठीक है, देख के ऐसे चला जाता है ऐसे, मतलब जो अपना वीडियो से बहुत आदमी हेल्प हो रहा है, लेकिन क्या उन लोग लाइक भी नहीं करता, सब्सक्राइब भी नहीं करता। जब तक आप लोग लाइक करेगा, एक सब्सक्राइब करेगा और साइड में जो बेल आइकन नहीं करेगा, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। प्लीज़ आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट, इतना ही मांगता हूँ, एक लाइक और एक कमेंट एक सब्सक्रिप्शन करो ना, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अभी तक हमारा जो ये वीडियो पहली बार जो देख रहे हैं, सब सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं, ठीक है। अभी अपने वीडियो का आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अभी हमारा जो फीडर या स्प्रिंग बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। अभी छोटा सा काम है, अभी हम देखो ऐसा पकड़ कर रखे ना, अगर हमारा जो शाफ्ट है सेंटर वाला और थोड़ा सा टेढ़ा है, वो अपने हिसाब में हम देख के कटिंग ब्लेयर से थोड़ा सा मोड़ के उसको सेंटर करना है। और उसको करेक्ट सेंटर करने से क्या है, बिल्कुल एकदम 100% अपना फिनिशिंग हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप्स बता देता हूँ, जो अपना जो इस फीडर के ऊपर बहुत आदमी गलत काम करता है, हमारा जो फीडर के अंदर का जो शाफ्ट मैंने बोला है, सिर्फ उसमें हम पॉपअप लगाना है, उसी में हम लाइन भी बांधता है, लाइन बांधने के बाद उधर ही हम ऊपर और नीचे हम पॉपअप बांधना है, ठीक है। स्प्रिंग में पॉपअप माउंट नहीं करना, अगर स्प्रिंग में अगर आप पॉपअप माउंट किया होता तो क्या बड़ा मच्छी हम फंसेगा उसमें, फंसेगा तो कि स्प्रिंग सीधा हो जाता है और आपका मच्छी मिस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। कभी भी स्प्रिंग में नहीं करना, सिर्फ शाफ्ट का ऊपर ही अब पॉपअप माउंट करना है। फ्रेंड्स देखो मैंने ऐसा सेम बहुत ज़्यादा स्प्रिंग बना कर रखा है। बस अपना ये जो वीडियो सबको पसंद आ गया तो पक्का सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। अभी जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा तब तक गुड बाई।